हाँ मतलब हर बार पुलिस बुला लेती है वो, और मतलब आज चल रही है 2023, आपके आपके भाई के बच्चे। मेरा भाई का एक लड़का है और वो भाई फिलहाल जो है 2:46 का समय हो गया है और 1 अगस्त आप देख सकते हैं भाई फिलहाल जो है भिवानी के कोर्ट के बिल्कुल साइड में मैं मौजूद हूँ। आपने एक वायरल मामला देखा था, मामला किसका था, 2 फौजियों का और 2 फौजना का, काफी वायरल चलिया है वो मामला। और उसके अंदर जो है फौजी साहब इतने परेशान थे अपनी पत्नियों की वजह से, और वो सारी परेशानी भी जान लेवांगे, और दोबारा फिर आज जो है भिवानी कोर्ट के अंदर आ रहे हैं कि परेशानी है फौजी साहब की, वह भी जानेंगे। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार भाई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रांत है जी। कहाँ के रहने वाले? सुरेती जाखड़, जिला महेंद्रगढ़। अच्छा अच्छा, सुनने में आया है आप जो है 2013 में फौज में लगे थे। हाँ। और 2014 में आपकी जो है शादी हुई। हाँ। और 2015 से ये फौजी साहब जो है परेशान रहने लग रहे हैं, आज तक 2023 चल रहा है आज तो सारी परेशानी। और साथ में इसके भाई भी हैं, ये तो है ही है, इसके भाई भी हैं। मेरे पापा भी। आपके पापा भी अकेले हैं। अच्छा, अकेले ही रहते हैं। आप दोनों भाई हो, दोनों भाइयों का जो है पत्नी, दोनों बहने हैं वो आ रही है? हाँ, वो दोनों बहने हैं। अच्छा, एक बार जो है शुरू से एक बार पूरा मामला बताओ, समझाओ एक बार पब्लिक को क्या कुछ आपका मामला था, किस प्रकार पर बिगड़ विद्या हुई, क्या आप चाहते हो, क्या वो चाहते हैं? सर मामला तो हरिन जो मेरी वाइफ है और मेरे भाई की वाइफ है, उनके घर वालों का नाजायज इंटरफेयर होने लगा था शादी के बाद। मतलब जो उनकी माँ है ना, वो सबसे ज्यादा नाजायज इंटरफेयर कर रही है वो। मैं अगर मेरी वाइफ का अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो मैं करवाऊंगा ना, बिल्कुल। मेरे साथ शादी हो रखी है उसकी, अगर वो बीमार है तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा। लेकिन उसकी माँ आती है वहाँ पे और उनको बैठा के ले जाती है बाबाओं के पास, उनका ट्रीटमेंट करवाती है। अच्छा, जो साधु सुधु बाबे झाड़े जो अपने चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ, उनके पास लेके जाती है वो। तो इस वजह से मैंने रोका टोकी की तो वो नहीं मानी। तो इस वजह से फिर बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके बाद भी वो जब भी मैं मतलब छुट्टी काट के चला जाता था तो अपनी मर्जी से वो अपने घर जाती थी, मर्जी से वहाँ आ जाती थी, ना कुछ बताना ना कुछ, मतलब अपनी मन की मर्जी कर रखी है उन लोगों ने। और आज आप जो कोर्ट मारे हो, कल आपके साथ आप बता रहे थे कुछ घटना घटी है, उन्होंने जो है गांव में रहने के लिए लिख के भी जो है लेटर वगैरह दे रखा था। हाँ। कि भाई हम गांव में रहेंगे, इनसे अलग रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके खेत में आके आपके साथ क्या कुछ घटना हुई कल, एक बार पूरी घटना का जो है वो बताओ। नहीं, इससे पहले मैं अभी पिछली मई में भी छुट्टी आया था मैं, तो मई में मेरे पापा अकेले रहते हैं खेत में, तो वो छोटे वाली को उसको अलग से मकान दे रखा है गांव में, वहां पे रहती है वो। लेकिन फिर भी वो मेरे पापा को परेशान करने के लिए डेली खेत में आती थी। अच्छा। तो मैं जब छुट्टी गया तो मैंने उससे जाके पूछा कि तू क्यों आती है जब तेरे को अलग से मकान दे रखा है, कोई काम ही नहीं है तेरा यहाँ पे, खेती बाड़ी हमने ठेके पे दे रखी है, तो बुलाऊंगी मैं, तो मेरा घर है, बुला, मेरा हक है यहाँ पे, तो मगर तेरा हक तेरे को दे रखा है, तू रह वहाँ पे आराम से, इधर क्यों आती है परेशान करने। उस दिन भी उसने क्या किया, मतलब आ गई खेत में वो, मतलब जबरदस्ती। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम, आपके भाई भी फौजी है क्या? हाँ, मेरे भाई का नाम श्रीकांत है। अच्छा, आपका क्या बताया था? मेरा विक्रांत है। अच्छा, विक्रांत और श्रीकांत है। अच्छा, आप दोनों भाई हो और आप दोनों जो है बीवियां जो है वो बहने हैं? वो बहने हैं वो। अच्छा, और दोनों ने जो है इतने परेशान कर रखे हो आप लोग। अच्छा, आपका भाई भी परेशान आपकी तरह है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भाई भी, मेरा भाई तो छुट्टी भी नहीं आता। अच्छा, मैं तो आ जाता हूँ घर पे। अच्छा, लेकिन मैं जब भी छुट्टी आता हूँ हर बार मेरे ऊपर मतलब परेशानियां के बादल मंडराते पाव आ गए। हाँ, मतलब हर बार पुलिस बुला लेती है वो, और मतलब 10-12 दिन तो मेरे थाने और कोर्ट में ही कटते हैं। तो ये फौजी साहब ने बताया कि भाई इनके जो है 10-12 दिन जो है थाने तहसीला में कोर्टा में कटा है, इतने परेशान हो रहे हैं और पत्नियों ने परेशान करके, ऐसा इनका कहना है कि भाई परेशानी का रीजन क्या, उनकी मांग क्या है ये बताओ पहले बताओ। देखो, कोई भी झगड़ा विवाद होता है उसमें किसी भी एक थोक की मांग होगी, वो मेरी मांग यह है, उन्हीं मांग के। सर पहली बात तो हमारे घर में किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो जैसे अभी कुछ दिन पहले एक प्लॉट खरीदा था मैंने,
तो वो बोले कि मैं अच्छे से तब रहूंगी जब तू मेरा प्लॉट नाम करवा देगा। अच्छा, प्लॉट उनका नाम करा देगा आपकी बीवी का? ठीक है, लेकिन वो हमने तीनों बाप बेटों ने मिलके खरीदा था, तो मैं अकेला उसके नाम पे कैसे करवा दूंगा। दूसरी बात, खेत में मकान बनाया था, नया मकान बनाया था, उसके बारे में भी उसने ये बोला कि ये मेरे नाम पे करवा, तब मैं तेरे साथ अच्छे से रहूंगी। और उसने पैसे का तो कर ही रखा है, मेरे हर महीने पैसे मेरे अकाउंट में से 24,000 उसके। अच्छा, आपके अकाउंट में से? चलो ठीक है, आपका अकाउंट, आपकी जो सैलरी है उसमें से जाते हैं। चलो एक मिनट रुकना भाई, आपका दिमाग में यह बात आने लग रही होगी कि भाई 2013 में जो है फौजी साहब जो फौज में लगे और 2014 में इनकी शादी होगी और आज चल रही है 2023 आपके आपके भाई के बच्चे। मेरा भाई का एक लड़का है और वो घर पे मतलब गांव में रहते हैं वो दोनों। तो आपका बच्चा नहीं? मेरी एक बेटी है। किसके पास रहती है वो बेटी? वो जाहिर सी बात है, वो अपने पास ही रख रही है वो। अच्छा, अपने पास? वो उसके नाम के भी पैसे ले रही है। अच्छा, और उसका मतलब स्कूल में भी नहीं भेज रही है उसको, उसको भी गलत गाइड कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मेरे पास वॉइस मैसेज किया जिसमें मेरे को गंदी गंदी गालियां लिख के उसने लिख के नहीं बोल के भेजा। तो मैं क्या कर सकता, छोटी बच्ची है वो, ना समझ है वो। फिर मैंने एक दिन, मेरी उससे बात हुई अभी 7-8 दिन पहले, फोन पे बात हुई मेरी। तो बोली कि मैं उससे बोला, मैं कहा नव्या तू मेरे को गाली क्यों दे रही थी।